आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल का पास्ता। ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाएगा और इसमें खूब सारी सब्जियों का यूज़ करेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड टेस्टी बनेगा। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करिए और एकदम बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो इसके लिए हमने ये वाले पास्ता ले लेते हैं मैक्रोनी। देखिए इसकी जो थिकनेस है बहुत ही ज़्यादा पतला सा है, तो ये जल्दी बन जाता है, इसको टाइम नहीं लगता। दो तीन तरीके के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर लीजिए, सबसे थिन टाइप का आता है। और ये जो हमने सब्जियाँ काट ली थी, ये सारी आप देख लीजिए, मैंने अच्छे से उसमें चॉप कर ली थी। और ये जो पास्ता है इसको हमने बॉईल कर लिया, ये 5 से 5 मिनट में करीब बॉईल हो जाता है, ये पतला वाला है, इस वजह से इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो उसको अपन ने फिर पानी से छान लिया था, उबालने के बाद पानी को फेंक दिया था। फिर हमने इसमें तेल डाला, लहसुन अदरक डाला है, 2 लहसुन थे, प्याज एक चॉप करी हुई, गाजर डाल दी थी, इसको भी बारीक चॉप कर लिया था, मटर ऑप्शनल है, अगर डालना हो तो डाल लें वरना हटा दें, और ये शिमला मिर्ची और ये स्वीट कॉर्न जाएगा इसमें। इनको अच्छे से सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे अपन। और फिर हमने इसमें 1 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद हल्की सी हल्दी डाली है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची अपने अकॉर्डिंग डाल लें आप, जितनी ज़्यादा कम पसंद हो, नमक भी थोड़ा ही सा डाला है क्योंकि बाद में एक दो मसाला एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो उसमें नमक का बैलेंस करना पड़ेगा। फिर हमने ये बारीक टमाटर काटे थे, आपको 1 या 2 जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल लें, अच्छे से मिक्स कर दें सारी चीज़ों को, और ध्यान रखें कोई भी चीज़ जले नहीं। तो ये टमाटर जब डाले तो हमने 1 मिनट के लिए इसको अच्छे ढक के पका लेना है, ताकि इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो हमने पास्ता को पानी से छान लिया था, फिर हमने उस पानी को फेंकने के बाद पास्ता को ऐड कर दिया है। ये हमने मैगी मसाला और ये टमाटो केचप डाला है, 1 से 2 चम्मच भर के हम इसमें टमाटो केचप डाल देंगे। और ये हमने इसमें डाल दिया धनिया, धनिया पत्ती से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने एक्स्ट्रा निकालनी थी, उसको फ्राई करने के बाद फिर ऊपर से डाल दिया था ऐसे ही। और इनको अच्छे से मिक्स कर लें आप, और टोटल प्रोसेस में 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं आराम से, चॉपिंग वगैरह मिला के। और फिर हमने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, ये मोजरेला चीज़ है, चीज़ ज़रूरी डालें, 1 क्यूब चीज़ का, उसका भी आधा है, जो छोटी आती है ना अमूल की, वो वाला चीज़ है ये, और इसको आधा ही डाला है। 2 से 3 प्लेट भर के अच्छे से भर के बन गया था ये पास्ता, एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।